पर रूसी हमले का आज 10वां दिन है। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। हमले लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हमले का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्की। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मारियोपोल शहर पर रूसी फौज की घेराबंदी, ये जो ताजा अपडेट मिल रहा है। लगातार जो अहम शहर है यूक्रेन की उनको टारगेट किया जा रहा है। मारियोपोल भी उनमें से एक है। मारियोपोल पर कब्जे की कोशिश में रूसी फौज। जंग में यूक्रेन के लिए बेहद अहम है मारियोपोल। और इस बीच मारियोपोल पर कब्जा करने की कोशिश में लगातार रूसी सेना। मारियोपोल शहर पर रूसी फौज की घेराबंदी की खबर आ रही है। ये बहुत अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मारियोपोल पर कब्जे की कोशिश में रूसी फौज। अपनी सैन्य कार्रवाई को लगातार तेजी से बढ़ाती हुई रूसी सेना। जंग में यूक्रेन के लिए बेहद अहम माने जाने वाला मारियोपोल को अब निशाना बना रही है। घेराबंदी मारियोपोल की हो चुकी है। मारियोपोल बंदरगाह की रणनीतिक अहमियत है और मारियोपोल को एक सोची समझी रणनीति के तहत अब निशाना बनाया जा रहा है। मारियोपोल के रास्ते विदेशों से हथियार मिल सकते हैं। और आपको ये जानकारी दे दें कि किस तरह से अन्य देश यूक्रेन तक हथियार पहुंचा रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। और जो एक अहम रास्ता इसे मारियोपोल को माना जाता है, अगर उसे बंद कर देता है रूस, अगर उस पर कब्जा कर लेता है, तो एक बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है।